गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को राधे राधे। मेरी तरफ से माय नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। इधर बज रहे हैं सुबह के 6, तो मनी को रेडी करके नीचे ले आई हूँ। मनी की गाड़ी आने वाली है, तो मनी वेट कर रही है गाड़ी का। सुबह उठ नहीं रही थी, बड़े मुश्किल में उठी है, क्योंकि इस समय बच्चों को नींद बहुत आ रही है। अभी वो डेली रूटीन बिगड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक छुट्टियां रही हैं, तो इन लोगों की डेली रूटीन अभी बिगड़ी है। तो बनी की गाड़ी आ गई थी, मनी चली गई स्कूल, तो मैं अब जा रही हूँ ऊपर। तो अभी बनी और हनी सो ही रहे हैं, अभी उनको जगाते हैं, चलते हैं। आ गई हूँ, तो अभी देखना हनी कैसे उठता है। इस समय बच्चों को बारिश और हो रही है, तो ठंडक थोड़ी हो जाती है। सुबह एसी चलती है, तो और आराम से सोते रहते हैं, लोग उठने का मन नहीं करते हैं। तो इन लोगों को जगाते हैं, देखो कैसे सो रहे हैं घोड़ा बेच के। ये देखो, एक उधर उल्टा पड़ा है, एक ये देखो, एक बार में पर जग, एक बार में जाता है। डर जाता है कि मम्मी ने क्यों उठा दिया, तो उठ के बैठ गया है ये। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी सो रहे हैं अभी। तो इधर देखिए मौसम, बारिश हो रही है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बारिश ज़रूर होती है सुबह। जब मैं सो के उठती हूँ, नीचे देखती हूँ कि अरे पानी कब बरस गया, इतना सारा पानी, तब मुझे मालूम पड़ता है। और लगातार बारिश रात भर सुबह तो होनी ही होनी है। इस समय बारिश ने तो परेशान करके रख दिया है, पूछो मत। इसको देखो, सीधा लेटा उल्टा हो जाता है। फिर इधर मनी का और उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ हनी का। मनी तो चली गई है, तो उसको परेठा, सिर्फ जैम परेठा ले जाता है और कुछ नहीं ले जाता है। तो उसको जैम परेठा लगा के रखूँगी, और थोड़ा फल में आम ले जाएगा, और वो कुछ नहीं खाता है जैम परेठा के अलावा। अगर उसको सब्जी भी दे दो तो मिर्ची लगती है, और कुछ अचार वगैरह दे दो तो नहीं खाएगा। तो उसको सिर्फ जैम परेठा खाना है, तो मैं वही उसको पैक कर देती हूँ, तो आराम से अपना खा लेता है भरपेट। काफ़ी देर तक भी आता है उसको, करीब 3 बज जाते हैं आते आते। तो उसके लिए ये हल्का फुल्का टिफ़िन में पैक करना कोई ठीक नहीं है, तो मैंने कहा परेठा ही उसके लिए ठीक है। तो उसको ये इधर मैं फल, मैं मैंगो काट के दूंगी, नहीं तो वो ऐसे खा नहीं पाता है वहाँ पे। उसको कट करके छोटे छोटे पीस रख देती हूँ, तो अपना काट लेता है। इस समय मैंगो भरे पड़े हैं, पूछो मत। तो बच्चों को पसंद भी आते हैं बहुत फल में मैंगो, मैंगो तो इधर उनको कट के रख। मनी भी ले गई है, उसको भी बहुत पसंद है, तो अपना ये लोग खा लेते हैं वहाँ पे। और इधर वो अपना मिल्क विल्क पी रहा है बैठ के। बनी अभी सो ही रहा है, जब इन लोगों को भेजाती हूँ तब बनी को रेडी करके उसको लेके जाती हूँ, नहीं तो सुबह से बहुत काम होता है गाइस। अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, तो और सुबह से भाग दौड़ में लगे रहो, तब इन लोगों को जाके स्कूल भेज पाती हूँ एक एक करके। ना अगर थोड़ा भी आलस कर जाए ना, कि अभी नहीं थोड़ी देर वहीं पर लेट हो जाते हैं। तो ये इसको भी पैक कर देंगे, तो चलते गाइस आगे। बने रहिए ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। अभी इसको भी छोड़ के आते, देखना कितना परेशान करता है, तब तो जाता है। चलिए गाइस आगे, बने रहिए ब्लॉग में। हनी के लिए ये बनाना पड़ा, कैटरपिलर, उसमें स्किप काउंटिंग लिखी है। ये भी काम मुझे ही करना पड़ता है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ये देखो, जल्दी पहन लो सूज, टाइम हो गया है, देखो पहनो जल्दी फटाफट। पूरा तो खोल के बैठ जाते हो, ऐसे सूज पहनते हैं तुम्हारे, देखो। चलो इनको भी छोड़ के आते हैं, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो बनी हनी आ जाओ, तरह तरह के कीड़े और बारिश में निकल रहे हैं, और कुछ नहीं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है बारिश होने लगती है, हल्की हो बस, धूप निकल आए तब सही रहता है।
चल साइकिल चला ले बस। रखी रहती है सारे दिन। सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। इसको ले जाना था, वहीं घर पे ही छोड़ आया है। क्या करने जा रहे हैं स्कूल में? लोग अपना काम भी याद नहीं रहता कि ले जाना है कि नहीं ले जाना है। फिर से जाओ लेके आओ। बस ऐसे खड़े रहना है। फटाफट जाओ लेके आओ, मैं यही खड़ी हूँ। जाओ फटाफट खोल के गेट उठा लो जल्दी से। आ जाओ जल्दी फटाफट, बंद कर दो। आ जाओ तोड़ डालो, जब तक स्कूल तक पहुंचे तोड़ के अलग कर देना। बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है लोगों को, पूछो नहीं अपने काम की। बनी आज पॉपकॉर्न ले जा रहा है स्कूल में। आज बनी पॉपकॉर्न ले जाएगा, तो ये वाला टिफिन ले जाएगा, इसमें पॉपकॉर्न बन गया है, ये लो। ठीक है बोतल ये लो पहले बैग टांगो अपना। आ जा। पहले बोतल भी भर दें बनी की। है रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए? चलो चलते हैं स्कूल, भेज के आते हैं बनी को। हाँ बोतल ले लो, ये लो। चलते हैं बनी को छोड़ के आते हैं। बादल फिर हो गया, बारिश आने वाली हुई फिर से। सारे दिन यही मौसम रहता है। बनी रेडी हो गया नहा धोकर, है ना बनी? बाय बोलो सबको। अभी नहा धोकर रेडी हो गए हैं। सुबह सुबह से भाग दौड़ लगी रहती है। जब बनी भी स्कूल चले जाएगा तब तो सब हो गया। सुबह से लगे रहते हैं तीनों को स्कूल भेजने में। तो चलिए गाइस बने रहिए आगे ब्लॉग में, छोड़ के आते बनी को। बाय। बनी जान नीचे आता है तो कहने लगता है अब नहीं जाएंगे। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? जहाँ नीचे आता है तहाँ बोलने लगता, नहीं जाना है। नौनुपात जाना है। क्यों नौनुपात जाना है? चलो इधर। नहीं नौनुपात जाना है। चलो चलो तो गाइस आज घर से खबर आई है कि एक लोग रिलेशन में थे, पापा के फ्रेंड थे। तो क्या हुआ, वो शाम को सो गए तो उनकी बीवी, उनके बच्चे भी नहीं है एक भी। काफ़ी दिन हो गए शादी को पर एक भी बच्चे अच्छे भी नहीं है, बस हस्बैंड वाइफ हैं। तो वो सो गए थे तो रात में 2 बजे करीब, तो उनकी बीवी ने समझा ये कुछ सपने वगैरह देख रहे हैं। ज़ोर ज़ोर से लोग खर्राटे लेने लगते हैं तो यही कर रहे होंगे। तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो आप, क्या इतनी तेज तेज खर्राटे ले रहे हो, सपने देख रहे हो, जो ऐसे कर रहे हो काम, एक रो कर रहे हो। उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, थोड़ा मुँह ऐसे टेढ़ा होता चला जा रहा था, जो आवाज़ ही गलाला बंद हो गया था। तो एकदम बीमार तो थे ही नहीं, अच्छे खासे थे, बढ़िया सो रहे थे। तो उन्होंने समझा भी नहीं उनकी वाइफ ने क्या हुआ है उनको। पर थोड़ी देर में उनकी बाथरूम भी हो गई वहीं बेड पे ही, तो बाथरूम हो गई तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कौन सा सपना देख रहे हो कि तुम तो बाथरूम भी कर रहे हो। तो फिर उठ के देखा तो भड़बड़ा गई, उनका चेहरा जब देखा और ऐसे टेढ़ा हो गया, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो उन्होंने सबको रात के 2 बजे फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया जो उनके पहचान के थे सबको। तो 2 बजे भाई बहुत से लोग हैं ना, किसी का मोबाइल डिस्चार्ज होता हो जाता है, किसी का साइलेंट लगा के लेटते हैं, कोई कहीं कुछ। 2 बजे की नींद में सब लोग गहरे तो सोते ही हैं, तो किसी ने नहीं सुना पर एक लोगों ने उठा लिया।
तो वो जब तक आए दौड़ के लेके गाड़ी, काफ़ी दूर थे तो क्योंकि वो गांव में रहते थे और शहर में उनके रिलेशन के थे, वो गए जब तक गाड़ी लेके तो तब तक ख़त्म हो गए। हॉस्पिटल लेके आए मतलब वो रास्ते ही में ख़त्म हो गए थे। मतलब अटैक पड़ा था ऐसा। आजकल पता नहीं नए नए लोगों को क्यों ऐसी बीमारी हो रही है, बूढ़े लोगों को कोई नहीं कुछ हो रहा है, नए जितने हैं उनको ही भगवान उठा ले रहा है पता नहीं क्या। तो मुझे आज सुबह सुबह पता चली, मेरे यहाँ आते जाते बहुत थे, हम लोग उनको जानते भी थे, तो बहुत ख़राब लगा कि बताओ ऐसे कैसे हो गया एकदम अचानक। और उनकी वाइफ बेचारी अकेली है, बच्चे भी नहीं है कि चलो बच्चों के सारे उनका जीवन कट जाए। मियाँ बीवी अपना अच्छे से रहते थे कि चलो एक दूसरे के ही सारे जीवन कट जाएगा, पर काम भगवान को मंजूर अलग कर दिया, पता नहीं उनका क्या होगा। जॉब भी नहीं थी कि भाई जॉब हो तो चलो कट जाए जीवन, जॉब अब मिल जाएगी उनका क्या होगा। तो बहुत ख़राब लगा, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल दुनिया में, ऐसी कौन कौन सी बीमारी चल रही है कि लोग बेड पे ही सोते सोते ख़त्म हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा कलयुग आ गया है। नए नए लोग ज़्यादातर खबर सुनो ना, नए नए ही जा रहे हैं, पुराने को कुछ नहीं हो रहा, बेचारे जो बेड पे डले हैं बीमारी से तड़प रहे हैं उनको भगवान उठा ले, नहीं उनको नहीं उठाएगा, उनको और तड़पाएंगे। और जो नए हैं बेचारे उनका जो सब कुछ बिगड़ जाएगा तो उनको उठा लेते हैं। पता नहीं क्या क्या दुनिया में हो रहा है, तो बहुत ख़राब लगा मुझे सुन के। मेरे यहाँ आते जाते थे भाई, तो जो किसी को जानते हो हम लोग ना, तो सुन के ये खबर तो बड़ा ख़राब लगता है। जो भगवान को मंजूर है भाई, जिसकी आ गई तो बहाना है कि ये हो गया वो हो गया, समय आ जाता है ना तो पूछो नहीं, कहीं पे भी भगवान कुछ भी बहाना करके उठा लेता है। समय आ गया था उनका, हम लोग कहने लगते हैं कि ऐसा हो जाता शायद बच जाते, शायद हॉस्पिटल पहुंच जाते तो बच जाते, पर कहाँ, भगवान को तो भाई कुछ बहाना लेना है, अटैक या एक्सीडेंट या कोई बीमारी, तभी तो वो उठाएंगे। तो ये सुन के भाई बहुत ख़राब लगा मुझे। चलिए गाइस मिलती हूँ आगे, बहुत तेज़ बादल गड़गड़ने की आवाज़ आ रही है, इतना पानी बरसेगा समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पानी से पागल हो गई। बाल भी अभी सूखे नहीं हैं, गीले हैं, बरसात में कसम से धूप ना निकले ना तो ये टॉवल वगैरह ना ऐसी स्मेल आने लगती है इसमें, कपड़ों में पूछो नहीं। थोड़ी धूप लग जाती है ना तो सही रहता, राहत मिल जाती है, अब बिल्कुल धूप ना निकले तो हर जगह स्मेल आने लगती है बरसात में, मुझे बड़ा अजीब लगता है। चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बनी भी स्कूल चला गया, हनी मनी सब चले गए, अब जाके रेस्ट थोड़ा आराम मिला है। सुबह से 5 बजे से उठ जाओ ना लगातार दौड़ दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, तब जाके इन लोगों को स्कूल भेज पाती हूँ, तब घर का काम भी कर पाती हूँ, नहीं तो थोड़ा भी अगर जो सोचूँ थोड़ी देर और सो लूँ थोड़ी देर वहीं लेट हो जाता है हर काम। ये लोग चले गए अब आराम मिला है, पर पानी ने तो परेशान कर रखा है, जहाँ बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो पानी लगातार बरसने लगता है, हद कर दी पानी ने, दिन भर बंद रहेगा सुबह से। आज तो ऐसा मौसम हो रखा है ये देखिए, ऐसे शिमला मनाली कश्मीर ये देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा मौसम है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा छाया है, 10-11 बजने वाले हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया है, जोर से बरसने वाला है फिर पानी, कितना बरसेगा भाई, ज़्यादा बारिश भी मुझे पसंद नहीं है, अगर हवा चले अच्छा मौसम रहे तब तो ठीक है, हवा बिल्कुल बंद है, ऊपर से उमस गर्मी काहे की बारिश, या फिर भाई धूप ही निकली रहे वही सही है। तो
गाइस वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए करिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ा देखते हैं बस, पूरा देखा करिए तभी तो समझ में आएगा मैंने किस टॉपिक पे बनाया क्या बनाया है। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखा करिए। जो नए हो तो वो सिर्फ वीडियो ही देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। बड़ी मेहनत से वीडियो ब्लॉग बना पाती हूँ, तीनों बच्चों को संभालो, फिर वीडियो बनाओ ब्लॉग बनाओ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट तो करिए मम्मी भी। तो गाइस यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय सभी को, अपना अपना ख्याल रखना, बारिश बहुत हो रही है, गर्मी बहुत है, तो अपना अपना ज़रूर ख्याल रखना।